Hello students, welcome to my channel again. So from today we are starting NCERT of 9th class, जिसमें कि हम history के first chapter से start करेंगे. हम history की reading करेंगे and chapter first में आपके काफ़ी सारे topics दिए हुए हैं, तो हर video में topic wise topic हम cover करते हुए चलेंगे, क्योंकि पूरे एक chapter को एक video में cover करना that means 1 or 2 hours जाएंगे, तो उसमें काफ़ी time लगता है और थोड़े से बोरियत भी महसूस होती है, तो हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे. एंड यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. अभी आप लोग 8th पास आउट कर चुके हैं एंड 9th में आ चुके हैं, तो आप सीनियर्स हो चुके हैं, ठीक है. तो अभी तक जो आपने पढ़ा था हिस्ट्री में 8th स्टैंडर्ड तक, वो आपने पढ़ा था इंडियन हिस्ट्री के बारे में. ऑलराइट, अभी आप लोग जो पढ़ेंगे वो आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे. इंडियन हिस्ट्री में केवल आपने भारत के इतिहास के बारे में जाना, बट अभी आप लोग पूरे वर्ल्ड के इतिहास के बारे में जानेंगे. ओके, तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, द चैप्टर इज़ द फ्रेंच रिवोल्यूशन, यानी कि जो फ्रांस में जो रिवोल्यूशन हुआ, जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, वो क्रांति क्यों हुई, उसके क्या कारण थे, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. On the morning of 14 July 1789, यानी कि 14 जुलाई 1789 की सुबह का टाइम है, the city of Paris was in a state of alarm, यानी कि जो पेरिस सिटी है, फ्रांस की जो सिटी है पेरिस, वो कैसी है, वो अलर्ट है, स्टेट ऑफ अलार्म, यानी कि वहाँ पे सभी लोग अलर्ट हैं. The king had commanded troops to move into the city. जो king है ना, जो राजा है वहाँ का, उसने अपने troops को, यानी कि उसकी जो army है, उसको उसने क्या किया है, command दिया है, किस लिए, city में move करने के लिए, यानी कि चप्पे चप्पे पे उसने अपने जो सैनिक हैं उनको बिछा दिया है और वो वहाँ पर घूम रहे हैं, मार्च कर रहे हैं. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. बल्कि rumors यानी कि अफवाहें तो ऐसी फैली हुई हैं कि वो बहुत जल्दी ही soon order देने वाला है अपनी army को. किस चीज़ का order देने वाला है, कि वो citizens के ऊपर open fire कर दें. But वो ऐसा क्यों करने वाला है, इसके बारे में chapter में आगे पढ़ेंगे. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall. तो कुछ ना 7,000 people में कुछ men हैं and some are women. वो सभी लोग gathered हुए in front of the town hall. कहाँ पर gathered हुए हैं, town hall के सामने. And decided to form a people's militia. और उन्होंने decide किया है कि वो जो कुछ लोग हैं वो एक मिलिशिया बनाएंगे. मिलिशिया क्या होता है, मिलिशिया आर द पीपल हु आर अनट्रेंड. ये अनट्रेंड होते हैं, इनको किसी तरीके की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जस्ट लाइक द आर्मी पर्सन, कि उनको इस तरीके की ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि आपको हथियार कैसे चलाने हैं, आपको किस तरीके से लड़ाई करनी है. तो ये मिलिशिया उनको बोलते हैं, कुछ पीपल्स होते हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं. दीज आर द पीपल्स जो ये बिलीव करते हैं कि मरना तो हमें वैसे ही है, तो क्यों ना हम लड़ते हुए मरें. दे ब्रोक इन टू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स को तोड़ फोड़ दिया, किसमें, सर्च ऑफ आर्म्स, यानी कि हथियारों की सर्च में, हथियारों की खोज में, क्योंकि अब उन लोगों के पास, वो अनट्रेंड हैं, तो उनके पास हथियार वगैरह तो कुछ थे ही नहीं, तो उनको हथियार चाहिए लड़ने के लिए. फाइनली अब वो क्यों लड़ रहे हैं, ये चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे. आप इस चैप्टर को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई मूवी आती है ना, तो मूवी जब रिलीज़ होती है, तो रिलीज़ होने से पहले उसका एक ट्रेलर आता है. तो आप इस चैप्टर को अभी, इस ये जो पेज है जिसके हम रीडिंग करें, इसको आप इस पूरे चैप्टर का जस्ट लाइक ट्रेलर आप इसे समझ सकते हैं, कि ये एक ट्रेलर है. फाइनली आखिरकार A group of several hundred people marched towards the eastern part of the city. अब उन लोगों में से जो 7,000 पीपल थे ना, उनमें से कुछ लोगों ने, 100 पीपल्स हैं जो मार्च कर रहे हैं, किधर की तरफ बढ़े, वो पेरिस के, पेरिस सिटी जो है उसके ईस्टर्न पार्ट की तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं. एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन, और उन्होंने फोर्ट्रेस प्रिजन यानी कि जो किले की जो जेल है ना, उसको तोड़ दिया है. द बास्टिल, इट्स नॉट बेस्टाइल, इट्स बास्टिल. इसका जो करेक्ट प्रोनंसिएशन है वो बास्टिल है, बेस्टाइल नहीं है. ओके, वेयर दे होप्ड टू फाइंड हॉर्डेड अ
अम्यूनिशन। तो वहाँ पे क्या हुआ, उन लोगों ने ये सोचा, वो जब उस प्रिजन की तरफ बढ़ रहे थे, जेल की तरफ, तो उनको ये लगा कि वहाँ पे उन्हें बहुत सारे हथियार मिलेंगे, तो उन्होंने वहाँ पे खूब सारी तबाही मचा दी और तोड़फोड़ कर डाली। अब ये क्या था, गुप्त मात्रा में वहाँ पे उनको कुछ रखे हुए मिले, कुछ हथियार उनको वहाँ पर मिले हैं। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बास्टिल वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम। इन द आर्म्ड फाइट, जब वो आर्मी जो वहाँ पे थी उससे जब वो फाइट चल रही थी उन लोगों की, जब वो उसमें पहुँचे, उसमें बास्टिल में, किले में जब वहाँ पहुँचे, तो उनकी जब लड़ाई हुई तो वहाँ पे लड़ाई में क्या हुआ, जो कमांडर था वो मारा गया। जो कमांडर किसके थ्रू, राजा ने वहाँ पे रखा हुआ था उस प्रिजन में, तो वो मारा गया उस लड़ाई में। और वहाँ पे जो प्रिजनर्स थे, यानी कि जो वहाँ पे जो कैदी थे, उनको उन लोगों ने रिलीज़ कर लिया, यानी कि छुड़ा लिया, लेकिन वो केवल कितने थे, वो व्यक्ति केवल 7 ही थे। येट द बास्टिल वॉज हेटेड बाय ऑल, जो बास्टिल है ना, वो जगह है ना, वो सब लोग उससे नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं उससे, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। क्योंकि जो बास्टिल है ना, वो प्रिजन है और वो डेस्पोटिक पावर को शो करती है राजा की। ये किस तरीके से डेस्पोटिक पावर को शो करती है, डेस्पोटिक मीन्स होता है, डेस्पोटिक पावर हो गई राजा की, जो क्रूर होता है ना, कोई निरंकुश होता है, जो बहुत ज़्यादा निर्दयी है प्रजा के साथ में, तो वो राजा क्या करता है, लोगों को पकड़ता था जिनको, और उनको उस जेल में बंद कर दिया करता था। तो ये उस एक तरीके से उसकी हिटलरगिरी को शो करती थी, जो बास्टिल प्रिजन थी, तो इसलिए सब लोग उससे नफरत करते थे। बिकॉज ये वॉज डिमोलिश्ड, अब जो फोर्ट्रेस था, यानी कि जो किला था, वो डिमोलिश्ड, यानी कि वो पूरा उन्होंने क्या कर दिया, चिकना चूर कर दिया उसका, वो धू धू करके ढह गया, पूरा ख़त्म हो चुका है, यानी कि। एंड इट्स स्टोन, और उसके जो पत्थर थे ना, फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स, उसके पत्थर वगैरह जो चीज़ें वहाँ पे मिली, उन सबको क्या किया, और जो जो मतलब सलाखे टाइप आप बोल सकते हो, उनको मार्केट में सोल्ड कर दिया गया, यानी कि बेच दिया गया, टू ऑल दोज हु विश टू कीप इट, उन सभी लोगों ने उसको खरीदा जो उसको कीप अ सोविनियर, जो उसे कैसे रखना चाहते थे, सोविनियर, यानी कि एक अपनी बोलते हैं ना कि उनको एक यादगार चीज़ के लिए वो उसे रखना चाहते थे, कि हाँ ये किस तरीके की जेल थी जिसमें लोगों को ऐसे मार दिया जाता, जैसे बंद कर दिया जाता था, तो वो उसको एक अपने लिए मतलब यादगार के रूप में वो उसे अपने पास रख रहे थे। तो वहाँ पे उन लोगों ने उसे लिया, आप ये बोल सकते हैं जैसे नीलामी होती है ना किसी चीज़ की, तो खरीदने वाले उसको खरीदते, तो इस तरीके से वो जो स्टोन्स वगैरह थे वहाँ से मिले थे, उनकी नीलामी की गई और लोगों ने बोली लगाकर उनको खरीद लिया। द डेज दैट फॉलोड सो मोर राइटिंग बोथ इन पैरिस एंड द कंट्री साइड। अब क्या था, जैसे जैसे डेज निकल रहे थे, तो लोगों ने देखा, जैसे जैसे समय निकलता जा रहा था ना, उसके साथ जो दंगे थे पेरिस में, वो और ज़्यादा इधर उधर और हिस्सों में भी होने लगे पेरिस के। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग, ज़्यादातर लोग प्रोटेस्टिंग कर रहे थे, यानी कि वो धरने पे बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो हड़ताल कर रहे थे अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। किस लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी हड़ताल क्यों चल रही थी, अगेंस्ट द, यानी कि खिलाफ में किस चीज़ के, हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड के दाम बढ़ रहे थे उसके अगेंस्ट वो लोग हड़ताल पे बैठे थे। अभी आप लोग खुद ही सोचो कि हमारे पास क्या है, इंसान किस लिए कमाता है, पेट भरने के लिए। अब हमारे पास जब खाने के लिए ही कुछ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हमारा जो राजा होगा हम उसी के खिलाफ हम धरने पर बैठ जाएंगे, हम उसके खिलाफ हड़ताल करने लगेंगे और उसी के षड्यंत्र रचने लगेंगे, उसी को मारने के लिए, उससे झगड़ा करने के लिए, हम उसके लड़ाई करने के लिए उसके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अब ये सब प्रोटेस्ट क्यों चल रहा था प्राइस ऑफ ब्रेड के लिए, ये सब कुछ हम इसमें पूरी डिटेल में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस हिस्ट्री, अब ज़्यादातर इतिहासकारों ने जब इस हिस्ट्री को देखा, दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स, उन्होंने देखा कि ये तो एक बड़ी सी चेन है जिसकी बिगिनिंग था, दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, जो फ्रांस का राजा था
उसके खिलाफ लोगों ने जब किया, क्यों किया, उसके द्वारा ऐसे क्या काम किए गए थे राजा के द्वारा, दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेटेड, जो इतिहासकार थे वो उसका पूर्वानुमान नहीं लगा पाए थे पहले, तो इसको एक चैन की तरह उन लोगों ने खींचा, और चैन जो थी वो बिगनिंग टू बिगनिंग ऐसे करके वो एक दूसरे से जुड़ती गई थी. हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन, जिससे कि उनको समझ में आया जो हिस्टोरियंस थे कि ये आखिर जो ये जो रिवोल्यूशन है ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ. तो ये चैप्टर में हम आगे अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. ये आपका अभी ये पिक्चर है स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टील. बास्टील को किस तरीके से उन लोगों ने जब तबाह किया धू धू करके, ये आप देख रहे हो जैसे कि इसमें ये पूरा धुआं जैसे निकला हुआ है, तो किस तरीके से वो जला है, किस तरीके से उसका डिमोलिश हुआ है. सून आफ्टर द डिमोलिशन, यानी कि डिमोलिशन के बाद में, किसके, बास्टील के डिमोलिशन के बाद में, इस इवेंट को याद करने के लिए एक आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग बनाई. इस पेंटिंग को बनाया कि इस तरीके से ये बास्टील का किला रहा होगा, यहाँ पर ये सारे लोग होंगे जो वहाँ पे उसके खिलाफ लड़ रहे थे, तो इन लोगों ने इसको पूरी तरीके से ऐसे गिरा दिया था. तो इस तरीके से आर्टिस्ट ने इसको एक कल्पना दी है और फिर इस पेंटिंग को बनाया है. ओके, तो चैप्टर हम ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे. इसके बाद हम फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, इसके बारे में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं आगे की भी जो वीडियोज़ हैं उनको रेगुलरली अपलोड करती रहूँ. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वीडियोस चाहिए, देन कॉमेंट मी. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ ग्रेट डे. गॉड ब्लेस यू ऑल.